तो हमारे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम ग्रीन स्क्रीन से शूट कैसे कर सकते हैं एंड हम हमारे बैकग्राउंड में कुछ ऐसी वीडियो या फिर कोई एक ऐसी फोटो या फिर कोई एक वाटरफॉल की वीडियो, कोई एक ड्रोन शॉट, सब कैसे चला सकते हैं अपने मन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ग्रीन स्क्रीन से शूट करना, इतना मुश्किल नहीं है, बट कुछ कुछ रूल्स हैं जिसको आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में वो सारे रूल्स मैं कवर करूंगा और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही इस ग्रीन स्क्रीन को चेंज करके कुछ भी कैसे लगा सकते हैं। बेसिकली हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को एंड कंप्यूटर से भी हम कैसे कर सकते हैं प्रीमियर प्रो से। मैं ये दोनों चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है मेरे इस यूट्यूब ग्रोथ सीरीज़ का, तो इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने बात की थी कि आप मेरे जैसा यूट्यूब सेटअप कैसे बना सकते हो ऑन बजट। फिर भी वो सेटअप थोड़ा महंगा पड़ता है, ग्रीन स्क्रीन का जो सेटअप बनाना है वो काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी इस वीडियो में सिखा रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन वाले सेटअप के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे कि क्रोमा की क्या होता है, बस बेसिक में समझ लो कि आपका एक की कलर होता है। मान के चलो इस वीडियो का की कलर ग्रीन है, तो अगर मैं ग्रीन में जाकर कोई भी ग्रीन कलर को चूज कर लूंगा, जाके की से उस कलर को चूज कर लूंगा, तो इस वीडियो में जितना भी ग्रीन वाला पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा एंड वहां पे हम लोग जो भी कलर लगाना चाहते हैं, जो भी फोटो लगाना चाहते हैं, जो भी वीडियो लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। तो भाई अब ग्रीन स्क्रीन में शूट क्यों किया जाता है, कोई दूसरी स्क्रीन क्यों नहीं होती, ब्लैक स्क्रीन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता या फिर किसी और स्क्रीन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो देखो क्या होता है, ग्रीन ऐसा कलर होता है जो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होता है एंड इसका जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी होता है बैकग्राउंड से। अभी मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है एंड जो ये चेयर है ये भी ब्लैक कलर की है, प्लस मेरे बाल वगैरह सब ब्लैक है। अगर मैं बैकग्राउंड में ब्लैक कलर डाल दूंगा एंड अगर मैं की कलर से उसको चूज़ करता हूँ तो क्या होगा कि पूरा मेरा फेस वेस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा, जो मेरी ये टी शर्ट है ये भी उड़ जाएगी, ये भी गायब हो जाएगी एंड यहाँ पे भी वो वीडियो देखने लगेगी। इसलिए हम लोग बैकग्राउंड में ब्लू या फिर ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं कि थोड़े से कॉन्ट्रास्टी कलर होते हैं, ये थोड़े अलग से दिखते हैं एंड हमारे स्किन टोन में इंडिया वाले कलर्स का कोई भी पार्ट नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन को सेटअप कैसे करना होता है। देखो ग्रीन स्क्रीन अगर आप लोग को ऑर्डर करना है तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, 350-350 रुपये के बीच में होती है, बहुत सस्ती, काफ़ी महंगी नहीं होती। अब ग्रीन स्क्रीन को क्या है आपको अपने बैकग्राउंड में लगाना है, इसके दो तरीके होते हैं। एक पहला तरीका पैसे देके, दूसरा तरीका जुगाड़ वाला। पैसे देके ये होता है कि 1800 रुपये का डिजिटेक का स्टैंड आता है, कुछ इस टाइप का स्टैंड जो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड पे लगा हुआ है, कुछ एक इस टाइप का आप स्टैंड ले सकते हो एंड आप इसमें अपनी ग्रीन स्क्रीन को फंसा सकते हो। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है कि आप अपने बैकग्राउंड को ऐसा बना लो। दूसरा तरीका, अगर आपका बजट उतना नहीं जाता तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर में कोई इस टाइप का पाइप होगा, आप इस पाइप में जो है जाके अपनी ग्रीन स्क्रीन को लटका सकते हो एंड आप इसको भी अपने बैकग्राउंड को बना के शूट कर सकते हो। तो मैंने एक ही टेम्परेरी सेटअप बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए घर में कैसे जुगाड़ से आप सेटअप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पर्दे वाला की रॉड लगी हुई है यहाँ पे एंड मैंने उसके ऊपर भी ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे लगा ली है और मैं इसके आगे पे खड़ा हो गया हूँ एंड आप अगर यहाँ पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक मेरी लाइट लगी हुई है एंड एक लाइट ये लगी हुई है, सामने पे दो लाइट्स लगी हैं प्लस उधर पे कैमरा लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, मेरे इधर से भी लाइट आ रही है एंड इधर से भी लाइट आ रही है जिससे कोई भी शेडो नहीं बन रहा है, प्लस मैं थोड़ा सा आगे हूँ ग्रीन स्क्रीन से तो यहाँ बैकग्राउंड में भी कोई भी शेडो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ है सेटअप एंड उसके अलावा यहाँ पे कैमरा सामने पे लगा हुआ है जिसमें मैं अपने आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब लोग ग्रीन स्क्रीन में काफ़ी सारे मिस्टेक्स करते हैं, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि अगर आप मेरे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन देखोगे तो बिल्कुल टाइट से खींची हुई है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो उनकी जो ग्रीन स्क्रीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलवटें होती हैं। अगर आपके बैकग्राउंड की जो ग्रीन स्क्रीन है उसमें सिलवटें हैं एंड अगर आप उसको बाद में क्रोमा की से चेंज करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर वाले एरिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक ये चीज़ होती है, मेक श्योर कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है सिलवटें नहीं हो, टाइट से खींची हो। दूसरी चीज़ अगर आप ग्रीन स्क्रीन लगा रहे हो तो ये होती है कि आपकी ग्रीन स्क्रीन ब्राइट होनी चाहिए। पीछे जो ग्रीन स्क्रीन जल रही है, जो पीछे लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ये ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने पीछे पे एक ट्यूबलाइट जला रखी है। अगर मैं उसको बंद कर दूंगा तो वो ग्रीन स्क्रीन डार्क हो जाएगी। जैसे जैसे ग्रीन स्क्रीन का कलर डार्क होगा वो मेरे ब्लैक कलर के साथ मैच होने लगेगा एंड पीछे ग्रीन स्क्रीन में कुछ कुछ शेडोज आने लगेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि आप जहाँ भी ग्रीन स्क्रीन लगाओ आप उसके पीछे पे कोई एक वाइट कलर की ट्यूबलाइट जला दो या फिर आप ये ध्यान रखो कि वहाँ पे कहीं पीछे से लाइट आ रही हो, ग्रीन स्क्रीन डार्क नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो बैकग्राउंड में लाइट जल रही थी मैंने उसको बंद कर दिया तो ग्रीन स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई है एंड अगर अब मैं ट्राई करता हूँ क्रोमा की करने का तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा नहीं होगी बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ग्रीन स्क्रीन में शूट करते वक्त, दैट इज़ कि आप अपने जो ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड है उससे आप थोड़ा दूर हो। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं ग्रीन स्क्रीन के बैकग्राउंड के पास हो जाता हूँ एंड अगर स्लाइड को मैं अपने सामने पर रखता हूँ तो क्या होगा कि जो मेरे शेडोज़ हैं वो पीछे ग्रीन स्क्रीन पर आएंगे। हम चाहते हैं कि ग्रीन स्क्रीन ब्राइट रहे एंड
एंड उसमें कोई भी जो है डिफरेंट कलर नहीं आए। एंड थर्ड चीज़ कि जब आप अपना लाइट का सेटअप कर रहे होगे तो आप ऐसा ट्राई करो कि जो आपकी लाइट्स हैं वो आपके ऊपर से आपके पास आ रही हैं। आप फ्रंट से लाइट मत मारो, जैसे आप फ्रंट से लाइट मारोगे तो वो पीछे बैकग्राउंड पे शेडो बना देगा, ऐसा मत करो। आप करो कि आपकी लाइट ऊपर से आपके पास आ रही है, तो क्या होता है जो आपकी लाइट ऊपर से आपके ऊपर पड़ती है ना, तो जो आपकी शेडोज बनती हैं वो हमेशा नीचे साइड पर बनती हैं। आपने सनलाइट में देखा होगा जब सनलाइट ऊपर से आ रही होती है तो शेडो ऐसे नीचे पर गिरती है, ऐसा नहीं होता कि बैकग्राउंड पर जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड पे जो एरिया है वो ग्रेड आउट नहीं होगा। हम हमेशा ट्राई करो कि आपकी लाइट ऊपर से आपके ऊपर पड़ रही है। तो अगर सस्ते में सेटअप बनाना है तो जल्दी से अपना ग्रीन स्क्रीन वाला सेटअप रेडी रखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप ग्रीन स्क्रीन वाले सेटअप में जब आप शूट कर लोगे उसके बाद अपनी वीडियोज़ को आप कैसे एडिट कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से भी एज वेल एज लैपटॉप से भी। तो जाके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपना खुद का सेटअप मैंने कैसे बनाया वो बताया था, तो जाके उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लो, यहाँ पर आ रही होगी।